दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ब्लैक एंड डेकर स्मॉल एंगल ग्राइंडर। तो इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और लास्ट में टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद मैं इसका प्राइस बताऊंगा आपको। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं इस वीडियो में इस ग्राइंडर मशीन का कंप्लीट अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग और इसका जितना भी फैब्रिकेशन में यूज़ होता है वो यूज़ भी बताऊँगा। तो लगभग 5 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें। मेरा नाम है मोली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ब्लैक एंड डेकर स्मार्ट एंगल ग्राइंडर। 12,000 RPM, 100 mm की डिस्क डलेगी इसमें, 650 वाट और 1 ईयर लिमिटेड वारंटी फॉर होम यूज़। इसे हम काम में भी यूज़ कर रहे हैं। लगभग इस मशीन को हमारे पास 2 महीने हो चुके हैं, इसे हम यूज़ भी कर रहे हैं। इसके साथ ये वाला जो हैंडल जो है ये भी आता है, लेकिन हमारा जो है वो गुम हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया लगभग 2 महीने इसे हो चुके हैं। तो लगभग 2 मीटर की वायर है दोस्तों इसके साथ आती है और एक ये की आती है जिससे हमें टाइट करना होता है ब्लेड को, और एक यहाँ पे कवर आता है जिसको यहाँ पे लगाना ज़रूरी है आपके लिए। हम कम यूज़ करते हैं, आप ज़रूर यूज़ करें ये कवर, जो कि आपके हाथों को चोट लगने से और स्पार्क लगने से बचाएगा। और एक ये यूज़र मैनुअल है, इसको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम हैं देसी मशीन रिव्यू वाले। अगर आप हमारे द्वारा किए हुए और मशीनों के रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इसके बारे में कुछ तामझाम बताया गया है, यहाँ पे दुनिया भर के कुछ लिखे हुए हैं। आज मज़ा नहीं आई जंदा, सही नहीं बनी जंदी की कि चलन दिए कुछ नवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हो गया और इसका भी काम ख़त्म है फ़िलहाल। तो ये की हम रखेंगे, ये कवर है, और अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग करेंगे और इसके यूज़ में आपको बताऊंगा क्या क्या यूज़ है, कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कटिंग व्हील लगाते हैं इसमें। तो ये की है, यहाँ पे एक बटन होता है, इसको प्रेस करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे और खोलेंगे चिकनट को। यहाँ पे हमारे पास 4 इंच का 100 mm का कटिंग डिस्क है जो कि यहाँ पे हमने लगा दिया है, और अभी इससे कटिंग करके चेक करेंगे। ये टाइट हो गया। जब भी ग्राइंडर मशीन को रखेंगे तो हमेशा ऐसे रखेंगे, गलती से अगर बटन चालू रह जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये वायर लगा दी और अभी हम इससे कटिंग करके देखेंगे। यहाँ पे हमने पहले ही निशान लगा के रखा हुआ है, तो हमें ये 4 पीस कटिंग करने हैं इसमें से। पहले इधर वाले 2 कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कटिंग हो चुकी है एंगल। तो ये तो हमारा कटिंग का टेस्ट हो गया, अभी हम दूसरा टेस्ट करेंगे। तो इसे खोलने से पहले यहाँ से ये वायर निकाल देंगे, फिर से चाबी को यूज़ करेंगे, की सहायता से इस कटर को हमने फिर से खोल दिया है। और अब हम ये फ्लैप डिस्क लगाएंगे इसमें, फ्लैप डिस्क, तो इसका यूज़ भी बताऊंगा। वैसे तो दुनिया भर के यूज हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं, डेंटर पेंटर भी यूज़ करते हैं, तो हम सिर्फ अपने अपने काम की बात करेंगे। स्टील पॉलिश के लिए हल्का फुल्का आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा बड़ी वाली ग्राइंडर मशीन नहीं पहुँच पाती है।
ये वहाँ पे पहुँच जाता है छोटी छोटी जगह में अंदर, तो ये सब जगह काम कर लेता है। अभी इससे मैं आपको एक डेमो और देता हूँ। जैसे हमारा मटेरियल है, तो इस पे आप देख रहे हैं रस्ट के निशान पड़े हुए हैं, तो इनको साफ़ करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा लोहे को कैसे इसने सफाई कर दी है, बढ़िया से चमका दिया है। तो ये भी इसका एक यूज़ है। और अब दोस्तों इसके प्राइस की बात करेंगे। यूज बहुत सारे हैं, इससे दीवार भी काटी जा सकती है हल्की फुल्की। पाइप फिटिंग के लिए 5 इंच का ग्राइंडर से कटिंग करते हैं लोग बाग। 4 इंच ग्राइंडर से इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा है, इसको आप सिंगल हैंड ऑपरेट कर सकते हो, एक ही हाथ से ऑपरेट कर सकते हो। यहीं से चालू हो जाता है, काम किया और एक ही हाथ से बंद कर लिया, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपका एक हाथ फ्री है तो एक हाथ से भी काम कर सकते हैं। बाकी ऐसा है, एक्सपर्ट बंदा है तो वही एक हाथ से इसे यूज कर सकता है। जो अनजान बंदे हैं उनके लिए ये सजेशन नहीं है, वो दोनों हाथ से ऑपरेट करें, हैंडल लगा के रखें, कवर लगा के रखें, ये सावधानियां हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको मशीन का रिव्यू, टेस्टिंग, सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये मशीन मैंने 2 महीने पहले अमेजन से 1400 रुपये की ख़रीदी थी। अगर आप भी ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। करें आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैंने देसी मशीन रिव्यू हमारी प्लेलिस्ट है जो कि ऊपर शो हो रही होगी आपको, इधर हूँ दिया। हमने बहुत सारी मशीनों के देसी तरीके से रिव्यू किए हैं, जिसका प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। आप किसी भी मशीन का रिव्यू देखना चाहें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। रिव्यू, टेस्टिंग, अनबॉक्सिंग सब कुछ मैंने किया है देसी मशीन रिव्यू में, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कुछ है आप एक ज़रूरी सूचना आपको और देना चाहूँगा साथ ही साथ, हर रविवार रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, अनुभव हो, उसका जवाब देने के लिए। रविवार रात को 9 से 10 या कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, जैसे सवाल आते जाते हैं। वो लाइव लंबा भी हो जाता है, छोटा भी हो सकता है। तो एवरी संडे 9 PM आई एम लाइव ऑन यूट्यूब चैनल SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये कवर जरूर रखना चाहिए। तो हम जो है अभी जो बाकी इसके अंदर गलत है यार, सब दोबारा तो करो, काट दे सारा।